हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे आई हो? आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का पहला, दूसरा, तीसरा। इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले का अगर आपने क्वेश्चन नहीं देखा है, यानी वीडियो नहीं देखा है, तो जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे प्रश्नावली का सोल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन करा है हल करें, यानी कि 15 नंबर क्वेश्चन करा है हल करें। आपको करना क्या है, हल एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर सात। दोस्तों, तो आप जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो आप देख सकते हैं इसको इस रूप में लिखा है, तो क्या इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो इस यहाँ पर हम वही काम करेंगे, आप लोग बस देखते जाइए। तो दोस्तों, यहाँ से हम काम कर रहे हैं, हल लिख कर क्वेश्चन उतार लेंगे। उसके बाद लिखेंगे एक्स का स्क्वायर और माइनस थ्री का स्क्वायर बराबर सात। ये स्क्वायर हो जाएगा और इसको दो हल करेंगे तो नौ बराबर सात। स्क्वायर नौ इधर आएगा तो सात, और यह प्लस नौ, तो नौ सात कितना आ गया, सोलह। तो स्क्वायर पर एक्स पर स्क्वायर हटेगा तो क्या होगा, रूट चढ़ेगा, यानी कि सोलह पर रूट चढ़ेगा। तो वर्गमूल क्या होता है, प्लस माइनस में आता है चार, यानी कि आपका एक बार मान क्या होगा, माइनस चार, और एक बार प्लस चार, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह दूसरा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। यहाँ देख सकते हैं आप क्वेश्चन। तो दोस्तों, सबसे पहले ये अलग है, तो आप क्या कीजिए, पहला से पहला, फिर पहला से दूसरा, फिर पहला से पहला, फिर पहला से दूसरा गुना कर लीजिए। तो यहाँ पर हम बनाने के लिए हल लिख देते हैं और यहीं से शुरू कर देते हैं। तो चार में एक से गुना करेंगे, यानी चार एक से गुना एक से, यानी क्या हो जाएगा आपका, चार एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसी से गुना करेंगे इसमें, तो इसका प्लस और इसका प्लस प्लस। तो चार में दो से करेंगे तो आठ एक्स, और यहाँ पर माइनस है और इसका प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस दो बराबर दो प्लस सात एक्स। अब दोस्तों, यहाँ देखिए इस सब को इधर लाइए, चार एक्स स्क्वायर प्लस आठ एक्स में से एक जाएगा तो कितना आ जाएगा, सात एक्स माइनस टू, ये इधर आएगा तो माइनस टू, और इधर आएगा तो माइनस सात एक्स बराबर जीरो। ठीक, सात एक्स कट जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस चार बराबर जीरो। अब दोस्तों, ये चार को इधर लेकर आइए, तो फोर एक्स स्क्वायर बराबर चार, ये चार इसके बटा में आ जाएगा, चार बटा चार कट गया, एक्स स्क्वायर बराबर वन। यहाँ पर स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इसका मान क्या आएगा वर्गमूल में वन, यानी कि एक बार प्लस में वन और एक बार माइनस वन, ये आपका आंसर हो जाए। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा, टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स माइनस वन और एक्स प्लस थ्री प्लस दिया। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कीजिए, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको आप गुना करते हैं, इधर वाला मिटा देते हैं, इसको कीजिएगा तो क्या, पहले एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर, इससे करेंगे तो माइनस थ्री एक्स, इससे करेंगे माइनस प्लस माइनस एक्स, माइनस माइनस प्लस थ्री प्लस वन। अब दोस्तों, यहाँ देख लीजिए, जो जुटेगा जोड़ लीजिए, ये क्या हो जाएगा, चार एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस दुगनी का चार एक्स प्लस वन बराबर एक्स स्क्वायर, ये तीन एक चार एक्स प्लस चार। एक तरफ कर लेते हैं, इस सबको इधर लाते हैं, फोर एक्स स्क्वायर माइनस चार एक्स प्लस वन, ये प्लस में है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस बराबर जीरो। ये चार एक्स कट जाएगा, ये माइनस और ये प्लस कट जाएगा। ठीक, अब दोस्तों यहाँ देखें, चार में से घटेगा तो क्या आएगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और ये चार प्लस माइनस में और ये प्लस में, तो घटेगा तो माइनस तीन, ठीक बराबर जीरो। इधर लिखते हैं, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस, यानी कि थ्री एक्स स्क्वायर बराबर तीन, तीन से तीन कट जाएगा, तीन से तीन कट जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर वन, तो एक्स रूट चढ़ेगा वन, एक्स बराबर प्लस माइनस वन, एक्स बराबर वन माइनस वन। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त, जय हिंद जय भारत।